उसका पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है लाइफ का. सो व्हाट डज ही वांट? वाटर. ही इज गॉट वाटर. क्योंकि आप लोग सेटल हो गए हैं, धन्यवाद. सो काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा. काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसरस की तादाद पहले बहुत कम थी, अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है. इसलिए एक अल्ट्रा रन ऑर्गेनाइज किया गया है. अगर हम अल्ट्रा रन की बात करें तो आपने मैराथन सुना होगा. मैराथन करीबन 42 किलोमीटर का रन होता है. मैराथन से 42 किलोमीटर से थोड़ा भी ज़्यादा हो तो उसको हम अल्ट्रा रन कहते हैं. तो ये जो रन है ये 52 किलोमीटर का रन है. इसके अलावा एक 26 किलोमीटर का एक रन है, एक 14 किलोमीटर का रन है और एक 5 किलोमीटर का है. तो ये इसको अनवाइंस काजीरंगा अल्ट्रा रन नाम दिया गया है. और ये इसीलिए है क्योंकि राइनो कंजर्वेशन हो. इसको जो बेसिकली मेन ऑर्गेनाइजर जो हैं वो निशिकांत दास हैं, जो अनवाइंस करके एक ट्रैवल डेस्टिनेशन चलाते हैं, जो केवल नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर. आपने कभी सुना है 7 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया? जो बेसिकली मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, त्रिपुरा एंड जस्ट वन मोर, मेघालय एंड द ब्रदर इज सिक्किम. ओके, या दैट्स अ ब्रदर. द 7 सिस्टर्स एंड अ ब्रदर. 7 सिस्टर्स एंड अ ब्रदर. तो ये नॉर्थ ईस्ट है. मतलब हमारे जैसे अभी हाल ही में एक फिल्म में भी मेंशन किया गया था कि लोगों को स्टेट्स क्या उनके कैपिटल्स से बीच में भी कंफ्यूजन हो जाता है. तो इसीलिए इसको इसके बारे में हमारे ही देश के बारे में हमारे देशवासियों को ज्ञान देने के लिए अनवाइंस चलाया गया है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है जो चलता है. और प्राइमरली अगर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, नागालैंड में एक बॉर्डर पे एक बंदे रहते हैं, वो उस विलेज के उस कबीले के चीफ हैं. उनका जो घर जहाँ पड़ता है वो अगर रात को सो जाए इंडिया में और करवट लें तो अगले दिन वो म्यांमार में उठेंगे. सो दीज आर द काइंड ऑफ लोकेशंस दैट द एजेंसी विच इज़ बैकिंग दिस रन इज डूइंग. सो निशिकांत दास इज द पर्सन हु हैड सेट अप दिस एजेंसी. एंड निशि, मैं आपसे पहले शुरू करता हूँ कि व्हाई डिड यू वांट टू डू एन अल्ट्रा रन? आपने अल्ट्रा रन करने की क्या क्यों सोची रादर देन डू एनीथिंग एल्स? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट, एक तो सबसे पहले तो अनवाइंस, अगर आपको मैं उसका मतलब समझा दूँ, बींग पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, संस्कृत शब्द है अनवाइंस, है ना, अन और वाइंस. तो आपने क्यों एक अल्ट्रा रन बनाने की सोची इसके बारे में? Our objective was to promote this part of the region, which I think 99% of Indians are not aware of. They have all kinds of perceptions and some of them are very obsolete. So our endeavor was to present the right picture of Northeast India, and Kaziranga is like a face of Northeast, right? It is home to the rare one-horned rhinoceros. So we said, we will participate in an event here, where it is very environmental friendly and it will have enthusiasts, the wildlife enthusiasts, the photography enthusiasts and of course the running enthusiasts. Ultra run humne isliye kiya because log itni dur jate hain to sirf ek 10 kilometer ka ya 15 kilometer ka run karke aayenge, ye unke liye bada exciting shayad proposition na ho, which is why we did an ultra run. We're getting a tremendous response for it and I really thank Ravina ji to stand up for this cause. There are two themes, there are two objectives of this run. One is of course to promote Northeast India, take this opportunity to showcase that region, and second is to sensitize people on the conservation of rhinos. So rhinos, ek zamane mein the numbers had plummeted big time, and then in the last 15-20 years this animal, this glorious beast has been faced with tremendous amount of poaching. Ab ye jo hai, ये इनिशिएटिव द लोकल अथॉरिटीज़ का, दैट हैज़ स्टार्टेड टेकिंग शेप और नंबर्स अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं. हम ये रन के जरिए हम उनको अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं एंड वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन. सो व्हाट वी अनाउंस्ड इज दैट दिस इज द फर्स्ट एडिशन, दिस इज द फर्स्ट अल्ट्रा रन इन असम. सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट एनी फंड्स दैट वी
collect over the expenses of the run will be contributed and dedicated to the conservation authority, line of conservation. So निशिकांत क्या को आपने सुना, निशिकांत एक बैंकर थे, 20 साल बैंकर थे और इसके बाद बैंकर ट्रैवल करने लगे नॉर्थ ईस्ट में और तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार नॉर्थ ईस्ट को लोगों तक पहुंचानी है, तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद दी है, जैसे हमको सपोर्ट मिला है बंधन बैंक से, बंधन बैंक एक नया बैंक है, इट्स अ वेरी यंग बैंक बट स्टिल इट हैज़ गॉट अ पैन इंडिया प्रेजेंस, आजकल पैन इंडिया शब्द आपने बहुत सुना, पैन इंडिया प्रेजेंस इन 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज with a network of over 5,640 outlets catering to more than 2.69 crore customers. So they are basically presenting this event for us, they are helping us do this event and I don't think I can see Ritesh Mehta from the bank, wo bhi patrakar the hamare aur aapke jaise pehle Zee business mein kaam karte the and later he went worked with State Bank, is GMR Infrastructure, Yes Bank, and currently he's the Vice President and Head of the Corporate Communications at Bandhan Bank. Ritesh, can we see you somewhere? Ritesh. We have the, they are the wellness partner for the event, and we have Shilpa Desai here from HDFC Ergo. Shilpa is the Head of Marketing for HDFC Ergo. Hi everyone. Hello. Thank you, Shilpa. She's also held leadership roles in marketing for ICICI, IDFC, Fullerton India Credit Company, and she's a engineer graduate and holds an MBA in marketing. So, फिर भी इसके बावजूद भी आज के डेट पे जो डिजिटल चल रहा है तो she is pursuing a PhD in digital marketing in Bombay. So we also have HDFC Life who's also supporting us as the life insurance partner for this event. क्योंकि आप इतना दौड़ करोगे तो insurance तो best policy हो जाता है. इनके अलावा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन है, एम डोनर बोलते हैं, जो सारे 8 स्टेट्स का ख्याल रखते हैं, वो हमको मिनिस्ट्री हमको सपोर्ट कर रही है. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर अंतर्गत आता है, उसके अंदर इस इवेंट को फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है पहले ही साल में, जो काफ़ी बड़ी बात है. और वहाँ पर एक लोकल एक काजीरंगा में ही एक होटल बोर्गोस करके है, जो सबसे बड़ा वहाँ का रिजॉर्ट है, जो हमको हमारा लोकेशन और सब स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ पर. सो दे आर द वेन्यू पार्टनर एक्चुअली फॉर द अनवाइंस काजीरंगा रन 2023. सो नाउ ये जो लेडी यहाँ बैठी हैं, इनको मैं करीबन 30 साल से जानता हूँ, जब पत्थर के फूल के लिए शूट कर रही थी तो पहली बार मैं इनसे मिला था. शी इज़ ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट एनिमल्स, सोशल कॉसेस. दिस इज़ पॉसिबली द थर्ड द फोर्थ कॉन्फ्रेंस दैट शी इज़ कमिंग फॉर मी फॉर अ सोशल कॉज. तो आप सोच के देखिए तो कितने सोशल कॉजेज से जुड़ी हैं. तो ये बताइए, एक शहर की लड़की अरण्यक का रक्षक कैसे बन गई? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं देखती हूँ और जहाँ तक हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बहुत बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम सब इफ़ेक्ट्स देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदलती जा रही है. हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करें तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिज़ास्टर्स आर मल्टीप्लाइंग. एंड प्रश्न यही उठता है कि हम किस तरह की दुनिया अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किस तरीके का प्लानट हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं. सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर हम खुद देखभाल नहीं कर सकते तो शायद हमें फ्यूचर जनरेशन या हमें आगे हमारे बच्चों की जो नस्ल है जो पैदा करने का फिर हक ही नहीं है, अगर हम उसकी भी देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है अभी. क्योंकि जो डिज़ास्टर्स उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, हम तो शायद रहे ना रहे, लेकिन जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं दे हैव अ लॉट टू रिपेयर. हम लोग ने जितना अब तक इस प्लैनेट को थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, जो उनको रिपेयर वर्क करना है वो उनके लिए शायद बहुत ही भारी पड़ जाएगा. सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग पहले तो ये रियलाइज़ करें कि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है. दो तीन लोगों के पास होगा, एलन मस्क के पास होगा स्पेसशिप, किसी और के पास होगी स्पेसशिप, हम सब कहाँ जाएंगे भाई? तो प्लैनेट भी नहीं है इस समय, न हमने मून पे अभी तक उसको कॉलोनाइज किया है, वी हैव डन नथिंग. सो राइट नाउ द ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रुइंड दिस प्लैनेट दैट वी ऑलरेडी हैव. फ्लड्स, डिजास्टर्स, स्टॉर्म्स, टाइफून्स, हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स, एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ, yes there is a bit of natural calamity also, but a lot of the disasters nowadays are man made.
मैन मेड, ये नहीं कि हमने जाके वहाँ किया, लेकिन ओवर द ईयर्स जिस तरीके से हमने इस प्लैनेट की देखभाल नहीं की, जिस तरीके से चाहे डिफॉरेस्टेशन हो या पोचिंग हो या हैबिटेट लॉस हो, जो भी जिस तरीके से हमने किया है, पल्यूशन, ओवर पल्यूट. अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, आई डोंट नो वेदर दैट्स अ फैक्ट और नो, क्योंकि मैं तभी इंडिया में नहीं थी, कि मुंबई की हवा का जो इंडेक्स है वो दिल्ली से भी शायद बदतर हो गया था. वॉज इट ट्रू? इट हैड कम इन द न्यूज़, जो आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारी एडवांटेज मुंबई की है कि हम कोस्टल रीजन में हैं, तो जो हवा आती है उससे हमारी हवा इनलैंड ज़्यादा, इट टेक्स ऑल द पोल्यूशन अवे. बट नाउ इवन दैट हैज स्टॉप्ड हैपनिंग. पहली बार शायद मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब है. तो हम क्या कर रहे हैं? आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, जिस तरीके से जो जितनी बर्थ रेट है, चाहे वो दिल्ली में हो और मुंबई में हो, ज़्यादातर बच्चे आजकल अस्थमेटिक पैदा होते हैं, जो पहले नहीं होता था. तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं? सो मेरा मेन कॉज ये है टू क्रिएट अवेयरनेस कि हर प्राणी, हर पशु, हर हर झाड़ इस धरती पर एक रीज़न के लिए बना था. सो द बेसिक थिंग, वंस वी रियलाइज दैट, हम अपने आप में, यहाँ हम और आप मिलकर शायद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते जितने पॉलिसी मेकिंग मेकर्स कर सकते हैं या जो जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इन आर ओन वेज वी डेफिनेटली कैन मेक द डिफरेंस. और वही मेरी प्रार्थना रहती है सबके लिए, दैट ट्राई एंड मेक द डिफरेंस इन योर ओन लिटिल वेज. चाहे आप अपने घर में रिसाइकलिंग करें या आप अपने घर में झाड़ लगाएं, आप देखें अगर झाड़ मर रहे हैं तो यू नो जस्ट लिटिल लिटिल वेज में वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें जो करते हैं इसके लिए काम. सो दैट इज़ द वे दैट वी कैन हेल्प फॉर आर फ्यूचर, आर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड द कमिंग जनरेशन. सो आई थिंक फॉर मी दैट बिकेम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि शायद अगर मैं थोड़ा भी डिफरेंस ला पाऊँ अपने आप से, मैं कोशिश करती हूँ. एंड दैट्स द रीज़न आई थिंक दैट आई टेक दिस सो पैशनेटली. रामा, सो प्लैनेट भी, सो मतलब आप निकल जाती हैं जंगल में कैमरा लेकर, और जो लोग जंगल को बर्बाद करते हैं उनको मारने के लिए आप सोशल मीडिया लेकर चली जाती हैं. अभी हाल ही में, और फिर लोग नाराज भी हो जाते हैं. हाँ, लेकिन वही लोग आपको अभी, आप आई हैव टू टेल यू दिस, दैट रवीना इज गोइंग अगेन टू MP tomorrow to the jungles, because she's been invited by the MP government to visit their forests again and help promote forest produce as well. Yes, that's right. So, Nishi, tell me, I was hearing in a debate the other day, television debate chal raha tha, jahan par unhone kaha ki aap agar tourism ko push karenge to poaching apne aap kam ho jayegi jungles mein. Aapka kya maan? It's very logical, because poachers poach karte kyun hai, because that's a source of their livelihood, right? So if you create different income streams for them, right, if people go visit them and of course visit them responsibly, then they get those additional income streams. So tourism plays a big part in ensuring that, you know, these malpractices, these unacceptable things do not happen or they come down, right? So it's a big incentive for locals, right? It helps the local economy. So I completely agree with this. I've seen, because we run a travel firm, and we are about promoting responsible tourism, we are about promoting cultural tourism. So when we aap iski baat kar rahe ho, aap wildlife ki baat kar rahe ho, main to ye keh raha hu ki aap jab kahin remote Arunachal jate ho ya Nagaland jate ho, unki ye badi khoobsurat se tradition hote hain, right? When you have the right kind of audience, right kind of travelers who go there, who respect those tradition, unko wo incentive mil jata hai कि वो उसे और परस्यू करके उससे कमाई होती है, वरना जो प्रेजेंट जनरेशन सब फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन में लगे पड़े. करेक्ट. सो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट अबाउट वाइल्ड लाइफ, इट्स अबाउट ऑल दैट वी हैव एज हेरिटेज. सो एंड लकीली आवर कंट्री हैज सो मच, सो मच. आप कभी जर्मनी जाओ या कहीं इधर यूरोपियन कंट्रीज जाओ, तो उनका एक पोएट किस घर में ठहरा हुआ है, उस घर को इतना उन लोग एलैबोरेट टूरिस्ट मैप पे ले आते हैं कि बस रुकी हुई और हम लोग देखते हैं घर में क्या है, तो बोलते नहीं, वो जो पोएट था जिसने वो पोएट्री लिखी थी वो इस घर में रहते थे. और हमारे यहाँ आप गली कूंजे में चले जाओ, हवेलियाँ, पैलेसेस, मंदिर, मस्जिद, जो भी है, इतने खूबसूरत खूबसूरत बना के हमारे कल्चरली, वी आर सो कल्चरली रिच
कि आई फील हमने अब तक अपनी पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल अब तक रिकग्नाइज नहीं किया या टैप किए, चाहे हमारी वाइल्ड लाइफ हो, चाहे हमारे, बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म अगेन. सो आई थिंक देर इज सो मच दैट वी स्टिल कैन डू. एंड आई थिंक मुझसे पूछे तो आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड करते हो, मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान अपने आप में ही एक वंडर है ऑफ द होल वर्ल्ड. क्योंकि आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चले जाओ, वी आर अ ब्यूटिफुली कल्चरली रिच कंट्री विच नो कंट्री कैन बीट. मैं तो झंडा यहाँ लगा के चलूँ अपने सर पे, माथे पे, सच्ची. इफ आई जस्ट लाइक टू ऐड वन पॉइंट, आई थिंक इंडिया एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आई थिंक देयर आर लैंड ऑफ स्टोरीज. व्हेन यू ट्रैवल, व्हाट यू लुकिंग फॉर स्टोरीज. और ये अलग अलग जगह पे, अभी अगर वक्त मिले तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, इज समथिंग कॉल्ड अरुणाचली अंताक्षरी, जो फादर का नेम होता है, फादर का नेम का जो लास्ट सिलेबल होता है, दैट हैज टू बी द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द चिल्ड्रंस नेम. एक ट्राइब में, एक ट्राइब में ऐसा होता है. और वहाँ पे वहाँ के जो डीसीज इतने इंप्रेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो अपने बच्चों को ऐसा नेम करने लग जाते हैं. सो आई एम सेइंग दिस इज अ लैंड ऑफ स्टोरीज, और हमें इसी तरह इन्हें प्रेजेंट करना चाहिए. एंड देयरफॉर वी हैव दिस काइंड ऑफ पीपल कमिंग, और देन इट सपोर्ट्स एवरीथिंग, इट सपोर्ट्स सस्टेनेंस, इट सपोर्ट्स इकोनॉमी. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक वो जितने थोड़े से इग्नोरेंट लोग होते हैं वो होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो ऑन अ होल ऐसा होता है. आई मीन आई फील सो प्राउड व्हेन आई मीट अ लॉट ऑफ माई मणिपुरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आप हमारे CRPF में भी देख लो, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं चेकिंग के लिए, तो क्या यूनिफॉर्म में इतने स्मार्ट हैंडसम लगते हैं सब. आई लव मीटिंग दैम. तो ऐसा आई थिंक ये जो 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ज़रूर सब जगह होते हैं, वेदर आर मिस्टेकन या तो कोई यू नो. अब आप यकीन नहीं करेंगे, I was in LA अभी रिसेंटली, लॉस एंजलिस. तो नॉर्मली लॉस एंजलिस में ज़्यादातर चाइनीज पीपल रन द ब्यूटी पार्लर्स. तो सो यू गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज. सो आई वॉक्ड इन एंड आई थॉट इट वॉज अ चाइनीज, बट आप यकीन नहीं करेंगे, सारे मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे. और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि वो सब अरुणाचल के थे और सब मणिपुरी थे, एंड मोस्टली दे वर इवन फ्रॉम नेपाल. तो आई वॉज, तो आई फेल्ट आई वॉज एट होम. सो दैट इज़ माई होम, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. सो वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट टुडे, लेकिन आप जानते हैं कि मेघालय एक ही स्टेट है हमारे देश में जहाँ पर मेट्रियाकल सिस्टम चलता है. द मदर्स रन द दिस थिंग, अनलाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट एनिमल कंजर्वेशन. आप चूंकि इतना घूमी हैं, मतलब जंगल के घाट का पानी पी चुकी हैं आप, तो आप what advice would you give us? I mean, we've just started off on our mission now. What advice would you give Nishi and Unwinds and us to? I think जो आप लोग कर रहे हैं, Unwinds जो कर रहे हैं, मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है. मैं धन्यवाद करना चाहूँगी बुरगोस को, HDFC को, और वो एंड ऑफकोर्स जो बंधन बैंक, हाँ बंधन बैंक, एंड टू नेम ऑल द बैंक, एंड डेफिनेटली फिट इंडिया जिन्होंने ये कॉज को लिया है. मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉज से जुड़ा हुआ है, जो हमारे सेव द राइनोज हैं. जितने टाइगर्स हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उतने राइनोज आई थिंक ग्लोबली भी इम्पोर्टेंट हैं. एंड आई थिंक आई एम प्राउड टू से कि इंडिया होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइगर्स एंड राइनोज इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड टुडे, जो शायद अफ्रीकन कंट्रीज नहीं कर पाए, जो शायद बहुत सारे दूसरे देश नहीं कर पाए, आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं. और हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं. जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, मैं इतने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स से मिली हूँ जो इतने पैशनेट हैं अपने काम के लिए. कई तो अपनी लिटरली जान गंवा देते हैं क्योंकि पोचर्स आर ऑलवेज आर्म्ड. तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो गो थ्रू. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने ये कॉज उठाया है और आप लोग इसके साथ जुड़े हैं और ये अवेयरनेस आप फैलाने की थ्रू योर रन कर रहे हैं, रन फॉर राइनोज जिसे जो कैंपेन का नाम है. तो हम चाहते हैं कि हम तो यहाँ पे बैठे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आगे ये मैसेज को बढ़ाइए कि हाउ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जो हमारी नई पीढ़ी है, फॉर देम टू रियलाइज़ कि हाउ इम्पॉर्टेंट
is our wild life, our forest, and the awareness should spread. तो वो तो खैर आपके ज़रिए होगा, तो आप भी हमारे लिए equally important हैं. So I thank you all also for being here today. हम तो बोलते रहेंगे माइक पे, लेकिन अगर आप नहीं चलाएंगे तो शायद ये आवाज़ कहीं तक पहुँचेगी नहीं. तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग हियर दिस आफ्टरनून. बाकी तो वी ऑल होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम श्योर वी ऑल ट्राई टू डू आवर बेस्ट. यस आई विल बी इन एंड अराउंड द इवेंट. अनफॉर्चुनेटली दोज डेट्स आई डोंट हैव, बट ये टी शर्ट पहन के तो खड़ी रहूँगी वहाँ पे झंडा लेके. अभी ये जो समय चल रहा है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली इतना मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा अलग अलग फेस्टिवल्स चलते हैं. एक ये तो सर्टनली एक बहुत ही नई चीज़ यूनिक चीज़ आप लेकर आई हैं, पहली बार शुरू हो रहा है. एक ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल भी होता है, कभी गई है कभी देखा है कभी? नहीं जी अनफॉर्चुनेटली नहीं गई हूँ, लेकिन अभी आशा करती हूँ कि मुझे ज़रूर इन्वाइट करेंगे तुरंत ही. तो कुछ विश करना चाहेंगे तो जो भी एक कल्चर को ही? आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई दैट्स व्हाट आई थिंक कि ये जो अब हमारे फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं जो लिटरली लाइक टू रिकग्नाइज ट्रू इंडिया, वॉट इज़ आर कंट्री अबाउट, यू नो नस नस में लाइक ऐसे कल्चर बहता है, हमारे नस नस में हमारी रईसियत है विथ आर हेरिटेज जो हमारे फोर फादर्स हमको लेके गए, तो उसको सेलिब्रेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और जो अब हो रहा है सब जगह, तो मैं धीरे धीरे अब मैं वो एज पे पहुंच गई हूँ कि मैं पुष्कर भी जाना चाहती हूँ, अमरनाथ भी जाना चाहती हूँ, केदारनाथ भी जाना चाहती हूँ, जंगलों में भी भटकना चाहती हूँ. सो आई हैव रीच्ड दैट एज एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय व्हाट माय कंट्री ट्रूली इज. एंड यू नो एक बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी बट होल्ड दैट थॉट, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जब भी वेकेशंस की सोचते हैं स्पेशली हिंदुस्तानी, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि डोमेस्टिक जो हमारे वाइल्ड लाइफ डोमेस्टिक टूरिज्म जो शुरू हुआ है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है. बट नॉर्मली मैंने देखा है जब भी हम हॉलीडे की प्लान करते हैं लोग सोचते चलो बैंकॉक जाएंगे, दुबई जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन हमने कितना हमारे बच्चों को एक्चुअली हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाई है? लिटरली नॉट. क्योंकि जब हम प्लान करते हैं चलो बच्चों को लंदन ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, बट वाई नॉट शो देम द ट्रू ब्यूटी ऑफ व्हाट आवर कंट्री इज अबाउट फर्स्ट एंड देन डिस्कवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. सॉरी पीटीआई ने बहुत बहुत सर हेल्प किया मुझे पूरा जो न्यूज़ था फैलाने में, जो गलत खबर था उसको फैलाने में. सही सुनो, सुना ना अभी अभी एमपी गवर्नमेंट इनवाइट किए हैं, ये प्लीज़ उनको इनवाइट दिखा दीजिएगा. आपकी वजह से हर वेबसाइट ने पिकअप किया और मैं उनको बोल रही हूँ नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, सुन लो मेरी बात. देयर वाज एक्चुअली नो, ओके एक्चुअली देयर वाज नो प्रोब अगेंस्ट हर एट ऑल. देयर वाज नो प्रोब, देयर वाज नथिंग. जो आप लोग ने छाप दिया वो सबने ब्लाइंडली भेड़ चाल होकर सब जगह रख दिया. चल फिर तू माफ है, इसको काफी पिला दो बेचारे को. नया 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 पार्टी, नया पार्टी हैज कम टू पावर. अच्छा ये है कि इतना खूबसूरत करते हैं, नेसेसरी करते हैं, सिनेमा का जो माध्यम है इट इज द बिगेस्ट कैनवास शायद इन इंडिया टू रीच आउट एनी कॉज. और सो ये कैंपेन कब इज इट पॉसिबल कि आप एक फिल्म के द्वारा के वेब सीरीज के द्वारा लाइन ऑफ कंसर्वेशन को आप बड़े पर्दे पे छोटे पर्दे पे लाना चाहते हैं? जी आई वुड विश टू. इन फैक्ट यू नो जस्ट नाउ रिसेंटली I was offered a film on tiger conservation and to make it into a story. But Hali ne, I'm very happy ke Sherni bhi aayi thi and that also spoke about, you know, the difficulties. Aap agar dekhenge somehow even Kamtara is related to the forest and the difficulties that people go through and... I was just coming to that. Aranyak mein balki ek bahut hi amazing kissa hua kyunki jab mujhe Aranyak narrate karne aaye Vinay Vaikul ji, तो उसमें जहाँ लेपर्ड का मेंशन हुआ वो भी ब्लैक पैंथर, तो मैंने पहले बोला मैं कहा एक सेकंड ये कहानी जा का नहीं है. जब आशुतोष जी एक्चुअली ओरिजिनल में आशुतोष जी गन लेके आते हैं और वो एम करते हैं लेपर्ड को और शूट करते हैं, मैं कहा सर मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है लेकिन अगर इसमें एक भी जानवर मरा तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी सीरीज़ आपका. मैं कहा आई विल नॉट डू इट ओनली. सो वी चेंज इट इंटू, आपने देखा होगा वो सीन जब वो बंदूक लेके आना है ऐसे नहीं मारिएगा नहीं, आप पहले जानवर को डराइए बिकॉज वो जानवर एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड नहीं है. वी आर नॉट ऑन द मेन्यू, ये हमारी इंटरफियरेंस है कि हम उनके घर में जाके बस गए और फिर उन पर ही पथराव करके उनको ही गोली मार के मार देते हैं. तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दे एक्चुअली चेंज्ड इट इन द स्क्रिप्ट.
and they made it that he comes with a gun but he fires in the air just to let the animal run away, because actually they are not interested in us. So yes, it started with Aranyak, and I hope I can do much, much more to bring awareness to our next future generations on this. What can we do as people to make a difference to the rhino and other wild animals? I think you can speak up for them, because that is very, very important. Your voice is very important. The support that unfortunately some of our animals are just killed, or the support that we need to help in preventing deforestation. See, development is very important for any country and for this planet. But for me, I believe that development and the environment can work together hand in hand. For example, if we are cutting through the forest and we are making roads, it is necessary to make those highways. But make sure that those highways are fenced off, and there are overpasses or underpasses for the animals to pass. There are so many highway deaths of animals that happen because what do we need? We just need to fence it up. Nobody is saying don't make that road. Make that road, make that highway. But just use these huge fences, which is actually there when you go to Pench, you see the highway that they've cut through the forest. The MP government actually has made these huge fences which the tigers and leopards then don't come onto the road. So these small things as human beings, which are our responsibility to do, which we can become a voice for. Please see that there's less deforestation. Be the voice for the tree that is being cut next to you. And if they can be saved, try and save, because each tree counts. Now, you said it so wonderfully, but in the context of the habitat in Mumbai, and also I would say in other states, maybe Assam and all, obviously, are the population not so much. But I think till the human population, it keeps rising steadily. Do you think that the balance of man versus nature will always be skewed in favor of man? Well, it will always be in the favor of man, unfortunately. Whereas for me, as a human being, I do believe that the purest soul that was put on this planet is the animals. Somehow we lost our way. We lost the essence of what life, what soul, and what a living thing means. I think that is a possibility, but I also do strongly, I'm an optimist. I see the best in everything. And I do believe that the way the schools are now taking up environment issues, global warming issues, climate change issues very seriously, ke hamari jo aage wali peedi hai, they are already so aware. Bachcha bachcha ab conservation ki baat karta hai, environment ki baat karta hai, aur wildlife ki baat karta hai, which is a very good sign. So shayad not even our generation, but the coming generation, I'm sure, will do and take a lot of steps to prevent this planet from becoming a total loss. Anishi, I want you to talk about what made you take up this gun, and then Rama, can you please enter the proceedings? Please go ahead. Yeah. So the run was, Rama had asked, we thought we'd make a participative event, which is very environmental friendly. And since Kaziranga was like the face of Assam, and was home to the one horned rhinoceros, and you know, there's another emotional thing which hit me. There was recently this video that went viral, right, where the rhino was trying to cross the road and got hit by a truck. And she even commented on that on. Yes, yes, yeah, little loudly. She did. So अच्छा हुआ आप लोग गुस्से नहीं हो गए मेरे से वो कमेंट के ऊपर आजकल तो कमेंट किया ये लो सटैक yeah so that was the reason and I think we found a lot of support lot of our sponsors and of course Raveena ji they identify with this cause and I think this is a very good start. This is our first edition. We want to make this a national event. We want to make this an annual event. That ye jo cause hai, that disseminates to the rest of the country and settles in and sinks in with people in large. So, जो हमारी अरण्यक की रक्षक हैं, उनको आज फिल्मफेयर जाना है. She'll be nominated for that thing. So, let's wish her all the best. Thank you. I think 16 nominations. Yeah, Aranyak has 16 nominations, so we're keeping our fingers crossed. Can we have a clap for her? अरे जीतने दो तो यार कोई भी नहीं ये मेरे लिए जीत काफी है. Thank you. अगर नहीं भी जीती, thank you so much. Can we please have Ritesh? Can we have Ritesh and Shilpa up here, please? अच्छा one thing that we're talking about animal preservation and all this, but there are lots of celebrities who use
you know, leather bags which are made of animal skin actually. Us par aap kuch keh rahe the because those things are so I mostly have I agree, but see there are different processes which everything is made. You cannot even become a big extremist. Personally me, I have stopped using leather bags. जो पुरानी खरीदी हैं आप देखेंगे मैं वही पुरानी लेते जाती हूँ, मैं नए बैग ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ. बट नाउ आई हैव शिफ्टेड टू क्लॉथ बैग्स, शिफ्टेड टू रिसाइकल बैग्स. तो जो मेरे पुराना कलेक्शन है वो यस है, उसको उठा के मैं फेंक नहीं सकती अभी. लेकिन अब मैंने एक्चुअली व्हेन आई केम टू नो हाउ काफ स्किन बैग्स आर मेड, एक बार गूगल करके आप पढ़िए हाउ दे आर मेड, आप अपने आप ही छोड़ दोगे. पर वो तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी एक्सट्रीम हूँ, वो तो आई डोंट इवन ईट मीट, आई डोंट इवन डू थिंग्स लाइक दैट, सो आई एम लिटिल डिफरेंट. बट इतनी एक्सट्रीमिज्म भी ज़रूरी नहीं है, बस इतना सोचो कि वी हैव टू सेव द प्लैनेट समहाउ एंड लेट्स ऑल डू इट टुगेदर. सी आई नो लॉट ऑफ पीपल हु विल प्रॉब्ली बी प्योर वेजिटेरियन बट दे विल गो देयर एंड बाय अ लेदर बैग, बट देन दैट इज अगेन अ डेड एनिमल ओनली आर कैरिंग ना. सो बट डेफिनेटली हमने नहीं खाया, तो अलग लोगों की अलग सोच होती है. यू के नॉट मैं थोड़ी मतलब यू के नॉट बिकम अ पुलिस मैन फॉर एवरी वन. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील फ्रॉम विद इन, इट्स अप टू यू वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉट वेजिटेरियन यू डूइंग. दैट इज नॉट अ थिंग दैट कैन बी फोर्स्ड ऑन एनीबॉडी. सो एवरी वन हैज़ अ फ्री चॉइस टू डू वॉट दे वॉन्ट एंड हाउ दे वॉन्ट, बट प्लीज डू कॉन्ट्रीब्यूट टू सेव द प्लैनेट. सेंटर लुक, सेंटर लुक, साइड लुक, लेफ्ट लुक, राइट लुक, लुक लुक लुक.